चलिए तो आज हम लोग सीखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे और बार बार पूछे भी जाते हैं। तो हम आज सेट नंबर एक स्टार्ट करेंगे, भारतीय संविधान से संबंधित हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलते पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? संविधान सभा के लिए चुनाव आपको जुलाई 1946 में निश्चित हुआ। अगला प्रश्न, किस क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 3, भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हो गया। प्रश्न संख्या 4, पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। प्रश्न संख्या 5, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 6, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारत के नागरिकों को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 21 जुलाई 1947 को। प्रश्न संख्या 8, यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? 6 माह के अंदर, 6 मंथ। प्रश्न संख्या 9, सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ब्रिटिश नागरिक सर हेनरी मेन के द्वारा। प्रश्न संख्या 10, विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। प्रश्न संख्या 11, विश्व में सबसे छोटा संविधान किसका है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। प्रश्न संख्या 12, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो भारत का संविधान। दो क्वेश्चन आता है, एक कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का, और एक प्रश्न आपको आएगा कि लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का। प्रश्न संख्या 13, भारत में संविधान के विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? तो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या 14, भारत में संविधान का विचार किसके द्वारा रखा गया? तो मानवेंद्र नाथ के द्वारा। प्रश्न संख्या 15, संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है? तो संविधान का ब्लूप्रिंट मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट को कहा जाता है 1928 ईस्वी से। प्रश्न संख्या 16, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। चलिए तो इसी के साथ मेरा सेट 1 का वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दें, कमेंट करके कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।